आप देख रहे हैं दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां, सदियों याद रही, भूला नहीं कोई, बचपन में सुनी दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानी। तो सुनो बच्चों एक कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। राजा बहुत अच्छा था और था ज्ञानी, रानी बहुत खराब थी और दिल की थी कानी। दिल भी काना होता है दादी माँ। हाँ बेटी, जो ऊपर से चिकनी चिपड़ी बातें करते हैं और मन से सबका बुरा चाहते हैं, उन्हीं का दिल काना होता है। अच्छा। हाँ बच्चों, तो उस राजा की दो बेटियाँ थीं। एक का नाम था कंचन और दूसरी का नाम था किरण। कंचन की माँ जिंदा थी और किरण की माँ मर चुकी थी, लेकिन दोनों बेटियाँ बड़ी ही सुंदर थीं, बड़ी रूपवती और साथ में गुणवती भी। मैं राजा की बेटी हूँ, तू धरती का बेटा है। मैं राजा की बेटी हूँ, तू धरती का बेटा है। आके जा, वापस आ, फिर जाके वापस आ। लो किरण, अब तुम्हारी बारी है। राजकुमारी किरण माला, राजकुमारी कंचन माला, महाराजा और महारानी जी की पूजा समाप्त हो गई है, अब आप आ जाइए। नहीं, हम खेल कर आएंगे। चलो ना, चलते हैं। नहीं दीदी, हम खेल कर आएंगे। तू जाना, तू यहाँ पे क्यों खड़ी है? लेकिन महाराजा और महारानी जी पूछेंगे तो। उफ़ो, तू जाना। जी किरण, हम खेल कर आएंगे। हाँ तू जा। राज पुरोहित जी, आपकी यात्रा कैसी रही? महाराज, चमत्कार हो गया। हिमालय के शिवालय में एक सिद्ध महात्मा ने पूजा के बाद मुझे गौरी प्रसाद दिया और कहने लगे कि जो भी कुमारी कन्या इसे ग्रहण करेगी उसे उत्तम वर मिलेगा। महाराज, उस समय मुझे राजकुमारी किरण और कंचन की याद आ गई। इस समय तो वो दोनों खेल रहे होंगे महाराज। आप ही मुझे दे दें, मैं उन दोनों को दे दूंगी। दोनों को बांट देना। जी महाराज। ये प्रसाद तो मैं सिर्फ अपनी बेटी कंचन को दूंगी और अपनी सौतन की बेटी किरण को हरगिज नहीं। अरे तू आ गई बेटी, बहुत अच्छा किया। ले, पहले ही प्रसाद खा ले। अरे खा ले ना। अब तू जा, जाके किरण को बुला ला। लेकिन माँ, किरण तो मैं ही हूँ। क्या? माँ, मैं कंचन को भेजती हूँ। सत्यानाश। कल्याण हो महाराज, घटक सेवा में उपस्थित। जय हो महाराज। कहो घटक जी, कोई राजकुमार पसंद आया हमारी बेटियों के लिए? क्या बताऊं महाराज, दीनानगर, मोतीपुर, उड़िया शहर के राजकुमार तो देखे, पर अपनी बराबरी के राजकुमारों को ढूंढने में समय लगेगा। उत्तर से आया हूँ, पश्चिम जाऊंगा। फिर सोचा, दोनों राजकुमार एक दूसरे की सीमा के आसपास मिल जाए तो एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में, एक ही साथ दोनों का विवाह करवा दूं। मगर करूं क्या, कोई वर पढ़ा लिखा है तो धनी नहीं है, धनी है तो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान है तो शक्तिमान नहीं है। करूं तो क्या करूं महाराज, इसी चक्कर में अपनी सारी पूंजी लुटा दी। धन की चिंता तुम मत करो मंत्री जी,
समझ गया महाराज। हमारी राजकुमारियां लाखों में एक हैं, राजकुमार करोड़ों में एक होंगे महाराज, एक होंगे। आप तो जानते हैं घटक जी कि हम किरण के लिए नहीं, कंचन के विवाह के लिए ज्यादा चलते। कंचन माला के लिए ना होना ही चाहिए। किरण वाला को तो आपका दुलार भी बहुत मिलता है और बेचारी कंचन माला को सिर्फ माँ की ममता। जी हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप कंचन माला का वर ढूंढने के लिए आकाश पाताल लेकर उसके लिए कोई सुंदर सा सलोना सा अनूठा सा वर ढूंढ कर लाएं, और किरण के लिए कोई भी। कोई भी? जी हाँ, कोई भी, कोई भी। आप जैसा भी चलेगा। मेरे जैसा? काना, काना। दादी माँ, ये रानी तो सचमुच दिल की कानी है। माँ होके भी ऐसी बुरी बात सोचती है। सौतेली माँ थी ना बेटी, किरण तो सबके लिए फूल बोती थी और वो किरण के लिए कांटे बोती थी। तो किरण के काने से शादी हुई क्या? अरे बेटा, एक दिन भगवान की ऐसी करनी हुई कि राजा बीमार पड़ गया और बहुत दुखी हो गया। वो सोचता था कि हमारे बेटियों की शादी हमारे आँख के सामने हो। तो एक रोज घटक ने राजा से कहा, महाराज आप जल्दी से अच्छे हो जाइए, मैंने तो राजकुमार भी तय कर दिए हैं। क्या राजकुमार है, और मंत्री जी को भी दिखा दिए हैं। एक का नाम वीर बलराम सिंह और दूसरा शत्रुजीत सिंह। अरे करोड़ों में एक है महाराज, आप जल्दी अच्छे हो जाइए। हम कैसे देख सकते हैं? तुम दोनों को बाराते लाने के लिए कह दो, अब हमारे पास समय नहीं है। जानू, तुम देखना चाहती हो तो वर देख लो। महाराज मैं क्या करूंगी देखकर, ये हमारे पुरखों के घटक हैं, हमें इन पर पूरा विश्वास है। जो आ गया महाराज, जो आ गया महारानी जी। कंचन माला का वर देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगी महारानी। वो तो ठीक है, हमें आप पर विश्वास है, लेकिन हम किरण माला का वर देखना चाहते हैं। किरण माला का वर देखना चाहती है ना, तो खा सकता हूँ, लेकिन चोरी चोरी, नहीं तो। ठीक है, चोरी चोरी ही देख we
मुस्कुराए बैठी हो। हमने सुना है तुम बहुत सुंदर हो, जरा हम भी तो देखें। वाह, तुम तो बिल्कुल चौदहवीं का चांद हो। बहुत भाग्यशाली हैं हम, लेकिन तुम भी कम भाग्यशाली नहीं हो कि तुम्हें हमारे जैसा वर मिला है। जरा देखो तो इधर। काना, काना, क्या कहा तुमने हमें? तुम बोली हो जिसने मैंने देखा था। देखा किसी और को? विवाह किसी और से? निकल जाओ, मैं कहता हूँ निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। माँ, मेरा दूल्हा काना निकला। माँ, मैं क्या करूँ? मेरी बेटी का सर्दाश हो। नहीं नहीं, वो तो किरण माला का दूल्हा काना है, शत्रुजीत सिंह जी। कटक, तुम जानते थे? मैं क्या, ये तो रानी भी जानती थी कि एक दूल्हा काना है। रानी, ये सब तुम्हारा किया धरा है, अब रोती क्यों हो? तुमने किरण माला की राह में कांटे बोए और वह तुम्हारे कलेजे में चुभ गए। ऐसा ही होता आया है, अब तुम्हारी करनी मेरी बेटी को भरनी पड़ेगी। तुम विश्वासघाती हो, मां नहीं डायन हो, डायन। इतना भी नहीं समझती कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें खुद गिरता है। तुम धोखा मत खाना, आंखें खोलकर मेरा नाम लेकर किरण के सर पे लगा देना। जी महाराज। तब देखना कंचन किरण हो जाएगी और किरण जो होना था वो तो हो गया बेटी। आज शाम को तेरे पति तुझे ले जाने आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ तू उनके साथ चली जा। नहीं माँ, मैं आपको और कंचन को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? ऐसा मत कह, मेरी एक बेटी का घर तो उजड़ गया है, मैं नहीं चाहती कि तेरा घर भी उजड़ जाए। मैं तुझे अपने हाथ से तैयार करके तेरे पति के घर भेजूंगी।
अब तू किरण बन के राजकुमार बलराम सिंह के साथ चली जाना। अरे दासी कहाँ है? तो मैं कौन हूँ? तुम तो किरण माला हो, मेरे दिल की रानी। कहाँ भाग रही थी? कहीं नहीं। ओ राजी के नौकरों, मेरे घोड़े दाना पाया, मेरे बछड़े दूध पिलाया, ऐसा राजा भोला के साली ले आया। ओ राजी के नौकरों, मेरे घोड़े दाना पाया, मेरे बछड़े दूध पिलाया, ऐसा राजा भोला के साली ले आया, ऐसा राजा भोला के साली ले आया। राजी के नौकरों, मेरे घोड़े दाना पाया, मेरे बछड़े दूध पिलाया, ऐसा राजा भोला के साली ले आया। ओ राजी के नौकरों, मेरे घोड़े दाना पाया, मेरे बछड़े दूध पिलाया, ऐसा राजा भोला के साली ले आया, ऐसा राजा भोला के साली ले आया, ऐसा राजा भोला के साली ले आया। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, कुछ दिनों से एक अजीब सा पंछी नजर आ रहा है, वो हम जैसी बातें करता है, लेकिन जब मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ तो गायब हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ राजी के नौकरों, मेरे घोड़े दाना पाया, मेरे बछड़े दूध पिलाया, ऐसा राजा भोला के साली ले आया। ओ राजी के नौकरों, मेरे घोड़े दाना पाया, मेरे बछड़े दूध पिलाया, ऐसा राजा भोला के साली ले आया, ऐसा राजा भोला के साली। ये क्या कर रही हो? तुम इसे मार दोगी? अरे ये क्या है?
तुम कौन हो? मैं हूं किरण, आपकी पत्नी। तो फिर ये कौन है? ये है मेरी बहन, यानी आपकी साली। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी शादी एक काणे राजकुमार के साथ हुई थी। ये सब नाटक मेरी सौतली माँ ने रचाया था। नहीं, तुम जीवित रहने के लायक नहीं हो। नहीं महाराज, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। नहीं, ये सब कुछ जानती थी, और सब कुछ जानते हुए भी ये फिर किरण बनकर मेरे पास क्यों आई? मैं इसे सजा मिलेगी। कहते हैं बच्चों, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, किसी से वैर विरोध न करो, सबके लिए शुभकामना करो। इसी बात पर छन पकैया छन पकैया छन के ऊपर धागे, जो जिसको कांटा बोवे उसी के पांव में लागे। ताली बजा। तो देखते रहें दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।